आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पे मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, यह किस चीज का बना होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, यह क्या कार्य करता है, इसके बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्केच की सहायता से हम लोग देखते हैं क्रैंकशाफ्ट क्या है। यह जो स्केच आप देख रहे हैं, यह टू सिलेंडर इंजन का, यानी कि इसमें दो क्रैंक पिन है और तीन मेन जनरल है, यानी कि देखने से हम लोग समझ रहे हैं कि यह क्रैंकशाफ्ट। अब हम लोग अब इसके भाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग का क्या नाम है। सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। ये जो देख रहे हैं, जहां पे फ्लाई व्हील को अटैच किया जाता है, फ्लाई व्हील को नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पे एक डॉवेल पिन रहती है, उस डॉवेल पिन में एक इस तरह का होल है, उस होल के सामने इसका एक निश्चित जगह होता है, उस जगह पे डॉवेल पिन की सहायता से इंसर्ट कर देते हैं और नट बोल्ट से टाइट करते हैं। यानी कि जब भी हम क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाई व्हील को अटैच करेंगे तो वह पार्टिकुलर पोजिशन में ही अटैच होगा। इस तरह का प्रोविजन फ्लैंज में दिया रहता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैंज। फ्लैंज या फ्लाई व्हील फ्लैंज भी कह सकते हैं। इसके बाद मेन जनरल्स है। मेन जनरल्स कितने हो गए, ये तीन जो आपको सेंट्रिक दिख रहा है, इस तीनों को कहते हैं मेन जनरल। मेन जनरल हो गए। इसके अलावा टू सिलेंडर्स का, जैसा कि बोले थे टू सिलेंडर्स है, उसके लिए दो पिन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन। क्रैंक पिन ये 180 डिग्री का डिफरेंस है, एक इधर है। इसके अलावा भी हो सकता है डिजाइन, लेकिन मोस्ट कॉमन डिजाइन, मोस्ट जनरल डिजाइन आपका ये है, 180 का डिफरेंस का टू सिलेंडर रहेगा, या सिलेंडरों की संख्या के आधार पे हम लोग डिजाइन के समय समझने का प्रयास करें कैसे डिजाइनिंग किया जाता है। इसके अलावा मेन जनरल के अलावा ये यहां पे जुटता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक गियर। क्रैंक गियर होता है और इस साइड पे जो जुटता है उसको फ्लाई व्हील कहते हैं। फ्लाई व्हील है। इसके अलावा ये जो भाग है, दो आर्म्स, दो उठा हुआ है, ये सेंटर में है, सेंटर से जो इसेंट्रिक हो रहा है, इस भाग से जो ऊपर है उसको जो जोड़ने वाला भाग है, यानी कि मेन जनरल और क्रैंक पिन को जो भाग क्रैंकशाफ्ट का जोड़ रहा है, ये जो भाग है इसको हम लोग बेब के नाम से जानते हैं। बेब, बेब या क्रैंकशाफ्ट आर्म्स भी कह सकते हैं। इस तरह से दो बेब हो गया और इसके लिए ये दो बेब हो गया, इन दोनों को मिला करके हम लोग जो यहाँ पे अंडाकार डिजाइन बन रहा है उसको हम लोग क्रैंक पिन कहते हैं, जो कि पहले लिख दिए हैं। और इसके अलावा एक चीज और है, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग वेट या काउंटर वेट। बैलेंसिंग वेट या और काउंटर वेट, यानी कि जो फ्लाई व्हील का वेट है रनिंग के समय, उसके टॉर्सनल वाइब्रेशन को कम करने के लिए, या जो रनिंग में वाइब्रेट करेगा, एक साइड में हम लोग गोल फ्लाई व्हील लगाए हैं उसके वेट को काउंटर करने के लिए जो वेट लगा हुआ है उसको हम लोग काउंटर वेट या बैलेंसिंग वेट के नाम से जानेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये पिन तक इंटरनल पैसेज बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं पैसेज बना हुआ है, इस तरह का पैसेज होता है, या यहां से लेकर के यहां तक होगा, फिर यहां से लेकर के यहां तक, यानी प्रत्येक क्रैंक पिन तक ऑयल जाने के लिए इंटरनल पैसेज बना हुआ होता है, उसको ऑयल गैलरी के नाम से जानते हैं।
ऑयल गैलरी, यानी कि यहां से होते हुए लुब्रिकेटिंग ऑयल क्रैंक पिन को जाए और क्रैंक पिन से होते हुए कनेक्टिंग रॉड के द्वारा स्मॉल इंड तक चला जाता है, जिससे गजन पिन का लुब्रिकेशन होता है। कई सारे क्रैंकशाफ्ट में इस तरह का ही प्रोविजन होता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे गियर्स को अटैच करने के लिए एक कट बना हुआ रहता है। इस कट में उड्रफ की फिट करते हैं, ये अर्ध चंद्राकार की फिट करते हैं। इस अर्ध चंद्राकार की को हम लोग उड्रफ की कहते हैं, उड्रफ की। किसी किसी क्रैंकशाफ्ट में इस साइड फ्लैंज ना होकर के इधर भी की का प्रोविजन रहता है, और की की सहायता से, जैसे कि छोटे इंजनों में, सिंगल सिलेंडर इंजनों में देखे होंगे, की की सहायता से इसमें की का खांचा कटा होता है, कीवेज, और कीवेज लगाते हैं, उसको हम लोग जीव हेड की कहते हैं। एक साइड में हेड बना रहता है और जीव हेड की सहायता से भी हम लोग फ्लाई व्हील को क्रैंकशाफ्ट से अटैच कर सकते हैं। उस तरह का भी डिजाइन आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से हम लोग समझ गए क्रैंकशाफ्ट में कितने भाग होते हैं। और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच की दूरी, सेंटर ऑफ क्रैंक जनरल और क्रैंक पिन इज कॉल्ड थ्रो। थ्रो कहा जाता है इन दोनों के बीच की दूरी को, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मेन जनरल एंड क्रैंक पिन, क्योंकि इस थ्रो के से पता चलता है कि पिस्टन कितना ऊपर या नीचे जाएगा। जितना थ्रो रहता है, थ्रो की लंबाई रहती है, उसका डबल स्ट्रोक होता है, उसका रेशियो 1:2 रहता है, 1:2, 1:2 कहते हैं। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर का क्रैंक पिन का थ्रो है तो स्ट्रोक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, यानी कि पिस्टन 20 सेंटीमीटर ऊपर नीचे करेगा। इस तरह से आपका गियर्स के अंदर भी टाइमिंग के लिए टाइमिंग मार्क रहता है, ताकि कैम शाफ्ट जब अटैच करेंगे तो टाइमिंग मार्क हम लोग लगा सकें। इसके अलावा कार्ज के बारे में अगर जानना चाहेंगे क्या क्या कार्ज करता है, तो इसका मुख्य कार्य है पिस्टन को चलाना, पिस्टन को चलाना है। इसको चलाने का सेंस है, पिस्टन में दो तरह के कार्य करते हैं, एक तो पावर तैयार करता है, दूसरे सक्शन, कंप्रेशन एवं एडजस्ट की क्रिया भी पिस्टन के द्वारा ही संपन्न होती है सिलेंडर के अंदर। तो सक्शन होती है और कंप्रेशन होती है, तो उस समय पिस्टन को चलाने के लिए पावर क्रैंकशाफ्ट के द्वारा दिया जाता है, और क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से पावर लेकर के निष्क्रिय स्ट्रोकों को पूरा करवाती है, और पावर स्ट्रोक में जो पावर तैयार होता है उस पावर को लेकर के पुनः क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील को ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा पिस्टन का चाल है, पिस्टन चलता है तो ऊपर नीचे सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, इस तरह से ऊपर नीचे करेगी। इस चाल को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, यहां से यहां तक चलती है, और इस चाल को बदलने के लिए कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट ही रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में या रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। यह भी एक मेजर कार्य करता है, ताकि कोई मैकेनिकल कार्य किया जा सके। इसके अलावा आपको कैम शाफ्ट को चलाने के लिए, कैम शाफ्ट चलाने के लिए कैम गियर के साथ आइडियल गियर या डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट गियर के द्वारा अटैच करके चलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंजनों में भी बेल्ट या सर्पेंटाइन बेल्ट जो होता है, उसका पुली यहां पे अटैच किया जाता है, और उस पुली के द्वारा जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि अल्टरनेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, वाटर पंप हो गया, या ऑयल पंप भी, किसी किसी में ऑयल पंप भी चलाते हैं, या ऑयल पंप को कैम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। इस तरह से कई मूविंग पार्ट्स को क्रैंकशाफ्ट चलाता है। अब हम लोग क्रैंकशाफ्ट किस धातु का बना होता है और कैसे इसका डिजाइनिंग किया जाता है, तो जैसे ही ये मेन चीज है क्रैंकशाफ्ट किस धातु का बना होता है, तो आप कहेंगे क्रैंकशाफ्ट बना होता है फोर्ज्ड स्टील,
फोर्ज स्टील का बना होता है, यानी कि स्टील को फोर्जिंग विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें पिस्टन के द्वारा जो पावर बनता है तो पावर से जो थ्रस्ट क्रिएट होगा उस थ्रस्ट को सहने के लिए क्रैंक शाफ्ट को मजबूत होना चाहिए। मजबूती को बनाने के लिए कई विधि इसमें अपनाते हैं। सबसे पहले स्टील को फोर्जिंग विधि से बनाते हैं, उसके बाद इसकी हार्डनिंग बढ़ाने के लिए कार्बोराइजिंग एवं नाइट्राइडिंग प्रोसेस किया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। इस तरह से कई चीज मिला करके इसको हार्ड और मजबूत बनाया जाता है, ताकि चलते समय ये जर्क जो पैदा हो उसको सहन कर सके और बैलेंस चल सके। इस तरह से आपने क्रैंक शाफ्ट के बारे में, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, क्या कार्य करता है, किस चीज का बना होता है, संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। थैंक यू वेरी मच।